इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जहां आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों में हर रेंज के कूलर, एसी, फ्रिज, डिफ्रीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मिक्सर, जूसर और वो सब कुछ जो बनाता है आपकी जिंदगी को आसान। गर्मी के मौसम में स्पेशल ऑफर का मौका न चूके। हमारा पता इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर मेन रोड, BF ऑफिस के सामने। संपर्क रविश पाहिती 9407436996। ये अंग्रेजों के जमाने की जेल है, यहाँ हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आपने अक्सर फिल्मों में डायलॉग तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको आज अंग्रेजों के जमाने का अस्पताल दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सफेद और लाल सुर्ख रंग से सजी धजी बिल्डिंग किसी समय में अंग्रेजों ने बनवाई थी, जो रख रखाव के अभाव में खंडर होते जा रही थी। लेकिन खंडवा पुलिस की मेहनत से अब इसे अस्पताल को वापस शुरू कर दिया गया है, जहाँ अब पुलिस परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अस्पताल को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी तैयार किया गया है। खंडवा की पुलिस लाइन में बना यह बिल्डिंग कभी अंग्रेजों ने बनवाया था। इसे अंग्रेजी बेरिक भी कहा जाता है। इस बेरिक के एक कक्ष में बहुत पहले अस्पताल हुआ करता था। पुरानी बिल्डिंग होने और डॉक्टर के रिटायरमेंट के बाद यहाँ का अस्पताल बंद हो गया था, जिसके बाद इस बिल्डिंग का हाल भी पुरानी इमारतों जैसा हो गया था। खंडवा के पुलिस रक्षित निरीक्षक पुरुषोत्तम विश्नोई ने अपने वरिष्ठ अफसरों की मदद से इस बिल्डिंग का न सिर्फ कायाकल्प किया, बल्कि इस खंडर होते भवन को लगभग 15 बेड के अस्पताल के रूप में बनाकर इसे फिर से ऐसे वास्तविक रूप में पहचान भी दिलाई। अब यहाँ पुलिस परिवार के लोग अपना इलाज करा कर स्वस्थ लाभ लेते हैं। इतना ही नहीं, इसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मुताबिक भी बनाया गया है, ताकि आने वाले संकट से आसानी से लड़ा जा सके। यहाँ लगभग 12 बेड और ऑक्सीजन सप्लाई दी गई है, साथ ही 3 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के साथ ही जरूरी दवाएं और डॉक्टर्स, नर्स सहित स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। इस खंडर को सुसज्जित अस्पताल में बदलने पर जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने भी तारीफ की है। वह भी समय समय पर यहाँ निरीक्षण कर इस अस्पताल को और बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। SP ने बताया कि पहले से एक पुलिस अस्पताल स्वीकृत था, लेकिन किसी कारण से वह शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ रक्षित निरीक्षक और अन्य अधिकारियों ने बेहतर प्रयास कर इसे शुरू कर दिया है। अब यहाँ फुल टाइम डॉक्टर और एक नर्स स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्त की है। पुलिस विभाग ने भी अपने स्तर पर एक वार्ड बॉय नियुक्त किया है, साथ ही हम यहाँ और सुविधाएं बढ़ाने में लगे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमने यहाँ 12 बेड का ऑक्सीजन युक्त वार्ड तैयार किया है। अगर तीसरी लहर जैसी कोई स्थिति बनती है तो यहाँ पुलिस कर्मियों को स्वस्थ सुविधाएं मिल सकेगी। ये एक जो पुलिस हॉस्पिटल खंडवा जिले में स्वीकृत था पहले से, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चल नहीं रहा था। डॉक्टर्स नियमित नहीं थे यहाँ पे, नर्सेज नहीं थी, लेकिन पिछले कोरोना फर्स्ट वेव की देखते हुए लगातार यहाँ पे RI और अन्य अधिकारियों ने यहाँ पे प्रयास किया था, जिसके बाद हमें एक फुल टाइम एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पर्व तिवारी, यहाँ पे वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, और इसके साथ साथ एक नर्स नियुक्त की गई है। उसके बाद हमने एक अलग से अपने पुलिस प्रक्रिया में एक वार्ड बॉय को भी हमने उसमें किया है, और धीरे धीरे इसकी सुविधाएं हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सिंगल बेड था, और लेकिन PHQ के निर्देशानुसार, DGP सर के निर्देशानुसार, हमने यहाँ पे एक 10-12 बेड का हमने एक ऑक्सीजन युक्त पूरे बेड्स को हमने यहाँ पे एक वो बनाया है, ताकि अगर कोई थर्ड वेव वगैरह जैसी स्थिति निर्मित होती है तो हमारे पुलिस कर्मियों को कहीं इधर उधर जाने की कम आवश्यकता पड़े, और छोटे जो मिनिमम लेवल की जरूरतें हैं CCC टाइप की, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये 10 बेड्स 12 बेड्स हमारे पास ऑक्सीजन से युक्त हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जिला प्रशासन में जो सहयोगी संस्थाओं अन्य ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिए थे, वो भी हमने यहाँ पे 3 लिए हैं। कुछ सहयोगी संस्थाएं जैसे CSR के माध्यम से LNT और HDFC वगैरह ने भी इसमें सहयोग किया है, और सभी के प्रयासों से और इस एक बेहतर यहाँ पे हमने कोशिश की कि अपने जो पुलिसकर्मी हैं या उनके परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो बेसिक है उसके लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, इसको देखते हुए यहाँ पे किया गया। इस अस्पताल के शुरू होने से पुलिस परिवार भी बड़े खुश नजर आए, उन्हें इलाज के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ इलाज करा रहे पुलिस परिजनों ने कहना है कि जब घर कोई नहीं होता है तो इलाज के लिए इतना दूर जाना बहुत दुश्वार हो जाता है, लेकिन आप स्वस्थ यहीं पर सारी सुविधाएं मिल सकेगी। पहले जिला अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर ब्लड टेस्ट हो जाता है, BP वगैरह, शुगर वगैरह, सारे टेबलेट वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारी सुविधा यहाँ पर है, सब कुछ मतलब यहाँ पर अच्छे से इलाज हो जाता है। यहाँ पर मतलब सारी फैसिलिटी है, सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है।
डॉक्टर वगैरह सब अच्छे हैं। मैडम है रीना मैडम, वो भी बहुत अच्छे हैं। पर्व तिवारी सर हैं, वो भी अच्छे हैं। अच्छे से ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पर। इस खंडर होते बिल्डिंग को बेहतर बनाने की चाह के चलते ही अब इसे कोरोना महामारी से निपटने के लिए हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। ये बिल्डिंग तो स्टेट टाइम की है, अंग्रेजों के समय की बहुत पुरानी पुलिस लाइन है। इसमें हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी सैंक्शन है, मगर समय के समय जैसा जैसा बीतता गया तो जो परमानेंट डॉक्टर थे और जो कंपाउंडर थे वो भी रिटायर्ड हो गए। और जब लास्ट ईयर मेरी पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर, और एसपी साहब भी हम लगभग उसी समय पोस्टिंग हुई थी साहब की भी, तो एसपी साहब ने निर्देशित किया कि आरआई साहब इसको देखें आप और इसको आप आगे बढ़ाएं, इसको अच्छी व्यवस्थाएं करें। तो उस समय केवल दो हमारे पास, एक वाटरमैन और एक भृत्य था। इसके बाद फिर सर हमने प्रयास करके इसमें डॉक्टर पर्व तिवारी साहब की पोस्टिंग कराई और एक मेल, एक नर्स, स्टाफ नर्स की हमने इसमें जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से हमें मिली। और कंपाउंडर हमने इसको कलेक्टर रेट पर हमने एक बी फार्मा किया हुआ है, अच्छे वेल नॉलेजेबल हैं, उनको हमने भर्ती किया इसमें। और इसके बाद अभी हमारा हॉस्पिटल इस कोविड में काफ़ी पुलिस कर्मचारी का जो पौने 400 के लगभग फैमिली यहाँ रहती है उन लोगों को सपोर्ट मिला इससे। और यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसको हमने अभी रिनोवेट किया, इसका ऊपर प्रोफाइल सीट डाली, इसको पुराने लुक में जैसा था वैसे लुक में लेकर आए इसको। और अभी 12 बेड का इसमें ऑक्सीजन का पाइपलाइन की फिटिंग भी कराई हमने। और इसमें आगे आने वाले समय में जो हमारे पास में CSR फंड से जो है प्रयास कर रहे हैं कि इसमें ICU और भी ज़्यादा और सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें। अभी फ़िलहाल में हमारे पास 4 कंसंट्रेटर हैं और अच्छा वेल ट्रेंड स्टाफ है, तो हम काफ़ी खुश हैं। अभी फैमिली वाले सारे हैप्पी हैं, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और हमें खुशी है। डेली मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 तक OPD हमारे यहाँ आ जाती है।